अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस। शीलापुर नाम के एक गांव में विशाल नाम का एक साहूकार रहता था। वह सबको पैसा उधार देता था और अधिक ब्याज वसूल करता था। ऐसा वह बहुत सारा पैसा कमाता था। फिर भी वह बहुत बड़ा कंजूस था, किसी को भी मुफ्त में कुछ भी नहीं देता था। एक दिन उसने गांव के रास्ते पर बिना कुर्ते चल रहा था, लेकिन उसके हाथ में एक कुर्ता था। फिर उसका दोस्त लखन उसको रास्ते में मिलता है और ऐसा पूछता है, अरे विशाल, ये क्या है? तुम्हारी कंजूसी की तो हद हो गई। ये क्या है, तुम बिना कुर्ते की चल रहे हो? क्या करूं लखन, ये कल ही मैंने शॉपिंग मॉल में खरीदी है। ये पहनूंगा तो खराब हो जाएगा ना, लेकिन फिर लोग समझेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है कुर्ते के लिए, इसीलिए मैं इस हाथ में कुर्ते लेकर घूम रहा हूँ। ठीक है भाई, ठीक है। आजकल सुना है चोरियां भी बहुत होने लगी हैं। कल ही मेरे गली में एक चोर पूरा घर को लूट लिया है। मैं तुम्हें इसीलिए बोल रहा हूँ कि तुम सावधान रहो। अरे ऐसा क्या, ठीक है, मैं देख लूंगा। इसके लिए मैं कुछ ना कुछ तरकीब सोचूंगा। ऐसा बोलकर विशाल ने गांव में एक लैंड खरीदा। उसके ऊपर एक बड़ा सा गार्डन लगा देता है। वहां पर पेड़ पौधे और एक छोटा सा तालाब भी लगा दिया। उसने उस जमीन के नीचे एक अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस बना दिया है। उसका दरवाजा ठीक उस तालाब के नीचे था। ऐसा उसने नीचे पूरा घर, जैसे बाथरूम, किचन, हॉल, बेडरूम, सब कुछ बना दिया। वह हर रोज गार्डन में आता था और तालाब के नीचे की दरवाजे से अंदर चला जाता था। वह हर रोज ब्याज की पैसे लाता था, सब उस सीक्रेट हाउस में अलमारी में रखता था। अरे ये बहुत अच्छा है, किसी को भी पता नहीं कि मेरा घर किधर है और कोई भी चोर इसे पकड़ ही नहीं सकता। एक दिन एक बड़ा चोर गांव के बैंक में डाका डालने के लिए एक सुरंग खोदता है, लेकिन अचानक वह चोर सुरंग खोदते खोदते विशाल की सीक्रेट अंडरग्राउंड घर में आकर गिर जाता है और देखता है ये कोई घर है। अरे ये क्या है, मुझे तो बैंक में चोरी करना है, लेकिन ये कोई घर जैसा दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, आज मैं इसको ही लूटूंगा। उसने आसपास देखा तो उसको एक बड़ा सा अलमारी दिखाई दी। धीरे धीरे जाकर अलमारी खोलने पर उसको बहुत सारे पैसे और जेवर दिखाई देता है। उसने जल्दी सब पैसे और गहने लेकर भाग जाता है। अगले दिन सुबह जब विशाल अलमारी को देखता है तो उसमें कुछ भी नहीं था। वह जोर जोर से रोने लगा और उसके दोस्त लखन के पास जाता है। अरे यार, मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया, मेरा सारा पैसा कोई चोर ने चुरा ली। अरे यार, लेकिन तुम्हारा घर किधर है, दिखाओ जरा, चलकर देखते हैं। जब वह लखन को अपना अंडरग्राउंड घर दिखाता है, लखन घर में अलमारी देखता है और ऐसा बोलता है, अरे विशाल, चोर तो सुरंग की मार्ग से घर में आ पहुंचा है। चोर ने कोई भी सुराग नहीं छोड़ी, अब कोई फायदा नहीं, अब तो तुमको सबक मिलनी चाहिए। इसलिए बोलता था कि इतना कंजूस मत रहो और ज्यादा ब्याज के पैसे मत लो, ज्यादा कंजूसी दिखाएगा तो ऐसा ही होगा ना। हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस। एक गांव में महिपाल नाम का एक युवक रहता था। वो लोगों की सेवा करता रहता था। वैसे तो वह मैकेनिकल इंजीनियर था, लेकिन वह गांव में रहकर लोगों के ट्रैक्टर, बाइक और गाड़ियां आदि ठीक करता था। सभी लोग उसकी काफी तारीफ करते थे। एक दिन महिपाल के पिता ने उससे कहा, बेटा मुझे अफसोस है कि तुम्हें अमेरिका में जॉब का ऑफर मिलने के बाद भी तुम वहां नहीं गए, यहां रुक गए। वैसे तो मुझे खुशी होती है, लेकिन मैं तुम्हें सेटल होते हुए देखना चाहता था। पापा, मेरा मकसद करोड़ों रुपए कमाना नहीं है। जब हम किसी की मदद करते हैं और उनकी आंखों में जो हमारे लिए प्यार दिखता है, उसका मोल करोड़ों से भी काफ़ी अधिक है। और वैसे गुजारे के लिए तो हमारे पास ज़मीन काफ़ी है, तो क्या करना इतना कमाकर। उस गांव से हॉस्पिटल दूर होने के कारण इलाज न मिलने की वजह से काफ़ी लोग मर जाते थे। इसलिए महपाल ने गांव के लोगों के लिए कुछ करने का ठान लिया। उसी गांव में पशुपति नाम का एक बहुत धनवान और लालची इंसान भी रहता था। उसने लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठाने के लिए गाँव में एक हॉस्पिटल बनवा लिया। वह अपने हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए लोगों से काफ़ी पैसे कमाता था।
एक दिन महिपाल एक एम्बुलेंस लेकर गांव में आया और उसने लोगों से कहा, देखिए आपको पशुपति के हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी इमरजेंसी हो तो मुझे बुलाइए, दिन हो या रात मैं आपको तुरंत ही सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाऊंगा, जहां पे अच्छे डॉक्टर आपका कम पैसे में इलाज करेंगे। और अब महिपाल ने बीमार लोगों को सरकारी अस्पताल ले जाना शुरू किया। इससे पशुपति की आमदनी गिरने लग गई, उसे बहुत गुस्सा आया। अरे अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा व्यापार गिर जाएगा, इसे रोकना पड़ेगा। पशुपति के आदमी अब महिपाल की एम्बुलेंस को रोज ही खराब कर देते थे, कभी उसके टायर की हवा निकाल देते तो कभी उसका पूरा डीजल खाली कर देते, और कई बार तो समय पर एम्बुलेंस ना मिलने के कारण कई लोगों की जान चली गई, क्योंकि पशुपति ने भी उनका इलाज करने से मना कर दिया था, वो गांव के लोगों को सबक सिखाना चाहता था। एक दिन महिपाल जब शहर में अपने दोस्त विकास से मिलने गया, तभी उसने एक कबाड़े की दुकान पर पुराना हेलीकॉप्टर देखा। उसे देखकर उसके मन में एक आइडिया आया और उसने विकास की मदद से, जो कि हेलीकॉप्टर चलाना जानता था, उस हेलीकॉप्टर को खरीद लिया और उसे कुछ पैसे इकट्ठा कर एक हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया। और अब वो विकास की मदद से हेलीकॉप्टर द्वारा लोगों को इलाज के लिए शहर ले जाने लगा। विकास और महिपाल द्वारा किए गए अच्छे कामों को देखकर गांव के मुखिया ने उन्हें सम्मानित करते हुए कहा, बेटा महिपाल, काश देश के सभी युवा तुम्हारे जैसे हों, पढ़ाई लिखाई करने के बाद विदेश ना जाकर अपने ही देश में रहकर लोगों की सेवा करें और अच्छा नाम कमाएं। आज से मैं यह घोषणा करता हूँ कि तुम्हारे हेलीकॉप्टर का सारा खर्चा पंचायत उठाएगी। और पशुपति की समझ में अब आ चुका था, उसने भी अब कम पैसों में लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया और गांव में खुशहाली छा गई। कल्याण नाम का एक साहूकार रहता था, वो बहुत ही लालची था, सबको वह अधिक ब्याज में पैसा उधार देता था। एक बार एक गरीब किसान को 10 रुपए की ब्याज में 10,000 उधार दिया, लेकिन वह किसान पैसा वापस नहीं कर सका, इसीलिए कल्याण ने उस किसान के खेत को हड़प लेता है और उसके खेत में टमाटर उगाने लगा। वह इतना लालची था कि दूसरे किसान का टमाटर की खेत पर रात को जाकर अधिक केमिकल वाला दवा डाल देता था, इसकी वजह से सभी खेत मर जाते हैं सिवाय कल्याण का। एक दिन कल्याण घर आकर ऐसा बोला, अरे ओ सुषमा, क्या कर रही हो, देखा तुमने क्या हुआ, गांव में सिर्फ हमारा ही टमाटर का खेत अच्छा है, सभी का खेत मर गया है। हाँ हाँ मालूम है, पता नहीं तुम्हारे किया हुआ पाप का फल कब निकल जाएगा, मुझे कुछ करना चाहिए। बस देखती रहो, मैं इस गांव में, इस शहर में सबसे बड़ा अमीर बन जाऊंगा। ऐसा बोलकर सारा टमाटर लेकर वह बाजार लेके जाता है और उसे बेच डालता है, बहुत सारा पैसा उसको मिलता है। घर आकर देखा तो उसका पत्नी सुषमा कल्याण की पापों को मिटाने के लिए हिमालय से आए हुए एक बड़े से बाबा को घर में बुलाकर उसे खाना खिलाती है। ये सब देखकर कल्याण को पसंद नहीं आया। अरे स्वामी जी, आप यहाँ कैसे? बालक, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारा हर इच्छा पूरी करूँगा। स्वामी जी, मुझे इस शहर में सबसे बड़ा आदमी बनना है। तथास्तु, ठीक है, आज से तुम्हारा हर एक चीज अधिक हो जाएगा। अगले दिन जाकर देखा तो उसके खेत में सिर्फ एक टमाटर है, लेकिन वो टमाटर बहुत बड़ा विशाल टमाटर है। ये देखकर कल्याण चौंक जाता है, वह इतना बड़ा था कि उसको ट्रक में डालने के लिए एक क्रेन की इस्तेमाल करनी पड़ी। उसे ट्रक में लेकर बाजार लेके गया, लेकिन उस विशाल टमाटर को कोई नहीं खरीदता। उसे लेकर दूसरे गांव को भी लेके गया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। उदास होकर वापस घर आकर देखा तो उसका घर बड़ा हो गया था, उसके पास पैसे के नोट भी बड़े हो गए थे, कुर्सी और अलमारा सारे बहुत बड़े हो गए थे। तभी उसको पता चलता है कि यह सब स्वामी जी की जादू है। तब वो स्वामी जी के तलाश में निकल जाता है। स्वामी जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं लालच में आकर बहुत बड़ा अपकार किया है, सबको धोखा दिया है, अब मुझे सबक मिल गया है, दया करके मेरी सारी चीज छोटा कर दीजिए। ऐसा बोलते ही स्वामी जी आशीर्वाद दिया और कल्याण घर वापस आ गया। आकर देखा तो सारी चीजें छोटी हो गई, उसके खेत में टमाटर भी छोटा हो गया,
तभी उस किसान को बुलाकर उसका खेत वापस कर दिया और तब से कल्याण अच्छे से रहने लगा। लड्डू चोर। घनश्याम तिल के लड्डू बनाकर बेचा करता था। एक डिब्बे में 12 लड्डू पैक करता था। पैक करने के लिए वह अपनी पत्नी से कहता था, अरे लक्ष्मी, मैंने यह लड्डू का मसाला तैयार कर दिया है। लड्डू बनाकर हर डिब्बे में 12 लड्डू पैक कर दो। घनश्याम रोज ऐसे ही डिब्बे बनाता और शहर जाकर बेच दिया करता था। यह काम वह अपने घर से ही किया करता था। उसकी कोई दुकान नहीं थी। एक दिन जब लक्ष्मी रोज की तरह अपने आंगन में बैठकर लड्डू तैयार कर रही थी, तभी उनकी पड़ोसन विमला वहां आती है। लक्ष्मी बहन, मुझे थोड़ी चाय पत्ती देना। वो क्या है ना, अचानक घर में कुछ मेहमान आ गए और चाय पत्ती खत्म है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पड़ोसी ही तो पड़ोसियों के काम आते हैं, अभी लाती हूँ। विमला बहुत चालाक थी। कितने स्वादिष्ट लड्डू हैं। क्यों ना मेहमानों के लिए 5-6 लड्डू भी ले चलूं। लक्ष्मी तो मूर्ख है, उसे भला कहाँ पता चलेगा। विमला 5 लड्डू उठाकर अपनी साड़ी के पल्लू में छुपा लेती है। लड्डू खाकर विमला का पति विमला से कहता है, अरे भगवान, यह लड्डू तो बड़े स्वादिष्ट हैं। अरे वो घनश्याम और लक्ष्मी तो दोनों मूर्ख हैं मूर्ख। कल फिर जाकर कुछ लड्डू ले आना। अब विमला हर दूसरे दिन किसी न किसी सामान लेने के बहाने लक्ष्मी के यहाँ जाती है और लड्डू उठाकर ले आती है। शाम को घनश्याम आकर लक्ष्मी को कहता है, लक्ष्मी तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है आजकल। लाला जी ने आज मेरे सामने लड्डू के डिब्बे गिने, एक डिब्बा कम था उसमें। और हाँ, परसों भी एक डिब्बे में 5 लड्डू कम निकले। लड्डू जमीन खा गई या आसमान। ये आप क्या कह रहे हो जी, ऐसा कैसे हो सकता है। अचानक तभी विमला वहाँ आ जाती है। लो लक्ष्मी, तुम्हारी चाय पत्ती, बस थोड़ा दूध दे दो। शाम ढलने वाली है, कल लाकर दे दूंगी वापस। लक्ष्मी चुपचाप दूध लेने अंदर चली जाती है, लेकिन दूध डालते हुए वह सोचती है, कहीं विमला ही तो नहीं चुरा रही मेरे लड्डू। लक्ष्मी जब उसे दूध देती है, तब वह देख लेती है कि विमला ने लड्डू छुपाए हैं। और लक्ष्मी विमला का पीछा करती है। वह विमला के घर जाती है और खिड़की से देखती है, विमला और उसका पति दोनों हंस रहे हैं और तिल के लड्डू खा रहे होते हैं। लो जी, तिल के लड्डू और ले आई। तभी अचानक उनके घर का दरवाजा खुलता है। वहाँ पर लक्ष्मी और घनश्याम दोनों खड़े थे। भाई साहब, लड्डू ही खाने थे तो हमसे मांग लेते, हमने कौन सा आपसे पैसे लेने थे। यह सुनकर विमला और उसका पति दोनों शर्मिंदा हो जाते हैं। हमें किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए।